नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर तो वन विभाग में बम्पर भर्ती आई हुई है दो में तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है तो यदि आप दसवीं बारहवीं पास किए हुए हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे और जो ये आपकी भर्ती होने वाली है आपकी सीधी भर्ती होने वाली है ये आपकी ऑल इंडिया भर्ती है इसमें आप मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं वेतन की बात आती है तो इसमें आपका वेतन पच्चीस हज़ार रुपये पर मंथ आपका इसमें वेतन होने वाला है जिसमें आपके एम टी एस एवं फॉरेस्ट गार्ड के पद आए हुए हैं तो चलिए चलते हैं इसकी इम्पोर्टेंट्स डिटेल्स पर जैसे कि आपकी सैलरी एज लिमिट कब से अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई करना होगा तो आप वीडियो के साथ लगातार बने रहे और हो सके तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में जो आपको घंटा दिख रहा है उसको भी जरूर दबा लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो गवर्नमेंट जॉबों से संबंधित होने वाले हैं आपको सबसे पहले मिल सके तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं एज लिमिट की बात आती है तो इसमें जो कैंडिडेट की एज लिमिट है इस प्रकार होनी चाहिए टेक्निकल असिस्टेंट फील्ड लैब रिसर्च के लिए इसमें आपकी मिनिमम जो एज लिमिट होनी चाहिए इक्कीस ईयर होनी चाहिए और जो मैक्सिमम एज लिमिट है तेईस ईयर होनी चाहिए इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो इसमें फॉर डिपार्टमेंटल एप्लीकेंट्स फॉर द टेक्निकल करियर टी एस आर देयर विल बी नो बार ऑन एज इलेक्शन फॉर द अदर कार्ड्स मिनिमम आपको पाँच ईयर की इसमें छूट मिलने वाली है एंड यहाँ पर देख सकते हैं टेक्नीशियन मेंस के लिए अठारह ईयर से तीस ईयर के बीच कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे एस सी को इसमें छूट मिलने वाली है गवर्नमेंट रोलों के हिसाब से एंड यहाँ पर देख सकते हैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अठारह से सत्ताइस वर्ष इसमें आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एंड फॉरेस्ट गार्ड के लिए इसमें अट्ठाइस से सत्ताईस वर्ष आपकी एज लिमिट होनी चाहिए एंड मल्टी टास्किंग स्टाफ के लिए अट्ठारह से अट्ठाईस वर्ष इसमें आपकी ईयर

हार्ड कॉपीड एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसमें अप्लाई नहीं करना होगा इसमें आपको ओनली ऑनलाइन अप्लाई करना होगा मेरे फुलफिलिंग ऑफ द मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्रूटमेंट सेल नोट वेस्ट एनी राइट इन द कैंडिडेट फॉर द बींगल्ड फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन इफ कैंडिडेट टू अप्लाई फॉर मोर देन पोस्ट ही सी शूट सबमिट सेपरेट ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म विद रिक्वायर्ड फीस यानी कि यदि आप अलग अलग पोस्टों के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसमें आपको अलग अलग ही फॉर्म भरने होगी और उसकी फीस भरनी होगी हाउ एवर द कैंडिडेट शुड नोट दैट फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ए कैंडिडेट कैन अप्लाई आइदर फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रेड और प्लम्बर ट्रेड वैकेंसी इफ ए कैंडिडेट अप्लाई फॉर बोथ ट्रेड ही हर कैंडिडेट सर विल सिमिलेटली बी कैंसल्ड एंड ही शुड वी डिबार्ड फ्रॉम अपलाइंग एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जब बात आती है आपकी इसमें जो इंटरव्यू की तो फ्रेंड्स नो इंटरव्यू विल बी कंडक्ट फॉर द एडवर्टाइजमेंट पोस्ट हाउ एयर टाइपिंग स्किल मेडिकल फिजिकल एंड नॉम्स ट्रेड टेस्ट ई टी सी विल बी कंडेड वे आर एवर अप्लीकेबल यानी कि इसमें आपका नो इंटरव्यू होने वाला है इसमें आपकी सीधे होने वाली है टाइपिंग स्किल मेडिकल टेस्ट एंड फिजिकल टेस्ट इसमें आपका होने वाला है एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसमें जो आपका टोटल पेपर होने वाला है सौ मार्क्स का इसमें आपका पेपर होने वाला है इसमें आपकी वन बाई फोर की निगेटिव मार्किंग होने वाली है एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो अदर डिटेल्स है कुछ इस प्रकार है इसकी जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है यानी कि अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो आपका टेक्नी टेक्निकल असिस्टेंट के लिए इसमें आपकी ओ वेतन कितना होने वाला है उनतीस हज़ार दो सौ से बानवे हज़ार तीन सौ रुपये आपका इसमें पे वेतन होने वाला है इसमें बी एस सी होने चाहिए विद केमिस्ट्री एज ऑन द मेन सब्जेक्ट फ्रॉम एरिक्ड यूनिवर्सिटी एंड इसमें आपका बी एस सी होना चाहिए एग्रीकल्चर फॉर ए रिकोनाइज यूनिवर्सिटी एंड टेक्नीशियन मेंटेनेंस के लिए इसमें आपका जो वेतन होने वाला है उन्नीस हजार नौ सौ से तिरसठ हज़ार दो सौ रुपये इसमें आपका वेतन होने वाला है इसमें आप दसवीं पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से एंड आई टी आई सर्टिफिकेट कोर्स इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकोनाइज इंस्टीट्यूशन एंड मेट्रिकुलेशन ए गवर्नमेंट रिकोनाइज बोर्ड विद आई टी आई सर्टिफिकेट कोर्स इन प्लम्बर ट्रेड्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकोनाइज इंस्टीट्यूट एंड लोअर डिवीजन कलर के लिए इसमें आप ट्वेल्थ पास होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त तो बोर्ड से टाइपिंग स्पीड तीस वर्ड पर ती, प्रति मिनट होनी चाहिए यानी कि आपकी तीस शब्द प्रति ती मिनट आप लिख सकते हो तो इसमें आप अप्लाई कर पाएंगे इंग्लिश के लिए इसमें आपकी पच्चीस वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग मानी गई मांगी गई है एंड यहाँ पर देख सकते हैं जो अदर्स है टाइपिंग स्पीड ऑफ पैंतीस वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और तीस वर्ड पर मिनट इन हिंदी इन ऑन कंप्यूटर एंड यहाँ पर देख सकते हैं फॉरेस्ट गार्ड के लिए भाई यदि आप दसवीं पास हो साइंस से किसी भी मान्यता प्राप्त तो बोर्ड से तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे मैन के लिए इसमें आपकी जो रेस होने वाली है पच्चीस किलोमीटर होने वाली है चार घंटे में एंड हाइट मिनिमम एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर चेस्ट इसमें आपकी सेवनटी नाइन होनी चाहिए विदाउट एक्सपेंशन एंड एट्टी फोर सेंटीमीटर विद एक्सपेंशन वुमेन के लिए इसमें आपकी चौदह मिलोमीटर चौदह किलोमीटर की रेस है चार घंटे में आपको पूरी करनी होगी हाइट इसमें आपकी मिनिमम डेढ़ सौ सेंटीमीटर होनी चाहिए चेस्ट आपकी चौहत्तर सेंटीमीटर विदाउट एक्सपेंशन एंड चेस्ट सेवेंटी विद एक्सपेंशन। फिजिकल स्टैंडर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड ट्रेबल मैन एंड वोमेन कैंडिडेट विल बी फाइव सेंटीमीटर इन हाइट एंड फोर सेंटीमीटर इच इन रेस्पेक्ट टू द चेस्ट विदाउट विद एक्सपेंसन दिल बी रिकॉर्ड टू सक्सेजफुल कंप्लीटली फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स फ्रॉम ए रिकोनाइज फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ड्यूरिंग द प्रोविटेशन पीरियड एंड यहाँ देख सकते हैं मल्टी टास्किंग स्टाफ में आपको क्या होने वाला है अट्ठारह हजार रुपये में आपका वेतन होने वाला है छप्पन हजार नौ सौ रुपए इसमें आपका मैक्सिमम वेतन होने वाला है इसमें आप दसवीं पास होने चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त तो बोर्ड से और एक पोस्ट ऑफ एम टी एस इज रिजिज फॉर द डिंग पर्सन पी डब्ल्यू डी के लिए सफरिंग फ्रॉम ब्लाइंड लो विजन सफरिंग फ्रॉम नोट वी लेस देन चालीस परसेंट सेल अलोन फॉर द बेनिफिट ऑफ रिसर रिवि तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही मिलता है अगली वीडियो के साथ जय देवरा धन्यवाद